ये भी इस बार एग्जाम में आया था और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मालूम ही नहीं था ये होता क्या है. सो सी गाइस, करेंसी स्वैप में क्या होता है, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड समटाइम्स प्रिंसिपल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस. गाइस, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स इकोनॉमिक सेक्शन के हम लोग क्वेश्चंस में जो टॉपिक यूपीएससी ने टच भी किए थे उनका डिटेल एनालिसिस कर रहे थे, आज उसी सीरीज में एक और वीडियो. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करेंसी स्वैप की. ये भी इस बार एग्जाम में आया था और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मालूम ही नहीं था ये होता क्या है. सो सी गाइस, करेंसी स्वैप में क्या होता है, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड समटाइम्स प्रिंसिपल. इंटरेस्ट या फिर कभी कभी प्रिंसिपल का भी एक्सचेंज हो जाता है. किसमें? एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, फ्रॉम वन टाइप ऑफ करेंसी टू अनदर टाइप ऑफ करेंसी. यानी कि मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा है डॉलर्स में, ठीक है, whatever amount, मान लीजिए $1,000. ये प्रिंसिपल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब अगर आप करेंसी स्वैप करेंगे इसका रुपीज में, तो इक्विवेलेंट होगा इसका 83,000 रुपीज ना, अप्रॉक्स. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, ठीक है. तो डॉलर में था लोन, पर उसको हमने उसके इक्विवेलेंट अमाउंट रुपीज में कन्वर्ट करवा लिया. या फिर मान लीजिए कोई $10 का इंटरेस्ट देता है, ठीक है. अब इसको हमने रुपीस में कन्वर्ट करवा लिया तो 830 रुपीस का इंटरेस्ट हो गया. इक्विवेलेंट अमाउंट एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन, प्रिंसिपल अमाउंट लोन का या जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसका, ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप. मैंने यहां पर रुपी का एग्जाम्पल लिया है, आप पाउंड वगैरह कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक करेंसी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट और मोस्टली इंटरेस्ट अमाउंट. अब ये किया क्यों जाता है, देखिए, अगर कोई बिजनेस है दैट इज सेटल्ड अब्रॉड, ठीक है, और उसने लोन ले रखा है इंडिया से, तो उसके लिए बहुत इनकन्वीनियंट होगा कि बार बार इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, मान लीजिए पर मंथली पेमेंट है तो उसको कन्वर्ट कर रहा है वो जो है पहले डॉलर्स को रुपी में और फिर सेंड कर रहा है. इससे अच्छा ये है वो करेंसी स्वैप का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट को डॉलर्स में ही पे कर ले, मोर कन्वीनियंट, लोकल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है. तो इसलिए इसका यूज होता है. थैंक यू, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी.